वाइल्ड टस्कर सोसाइटी द्वारा मनोरा बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यह आयोजन पर्यटन विभाग उत्तराखंड एवं वन विभाग उत्तराखंड के सहयोग से बलौट क्लब सूर्या जाला में किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से जाने माने बर्ड्स फोटोग्राफर्स ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में समापन समारोह में नैनीताल वन ACF राजकुमार शर्मा और जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने सभी का धन्यवाद किया, साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र में प्रयास करने का आश्वासन दिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, जिसमें दो दिन का ये प्रोग्राम हमने रखा था, है ना, 6 और 7 तारीख के लिए अप्रैल में, जिसमें कि पूरे इंडिया के कोने कोने से जो है बर्ड वॉचर आए हैं, फोटोग्राफर आए हैं और ये एक्सपर्ट भी हैं। ये जो लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मतलब एक कैमरा लेके आ गए हैं। हम ईबर्ड एक ऐप है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है, जिससे कि बर्ड्स की जो है जियो टैगिंग की जाती है। जहाँ पर बर्ड्स दिखी उस जगह की उसको उसमें एंट्री हो जाती है कि यहाँ पर ये बर्ड्स हैं। 6 और 7 तारीख को यहाँ मनोरा वर्ल्ड का यहाँ जो है इन्होंने आयोजन किया है विकास जी ने, जो ये फुट हिल का एरिया है मनोरा का, उस एरिया में विभिन्न प्रकार की हमारी बर्ड की प्रजातियाँ हैं, जिससे शायद जो है जो बाहरी लोग हैं, अनभिज्ञ हैं, आज देश के विभिन्न राज्यों से 35 यहाँ क्लस्टर्ड, जिनमें कुछ बर्ड वाचन हैं, कुछ स्पेशली फोटोग्राफर को बुलाया गया है, जिनके द्वारा जो इस मनोरा रेंज के अंतर्गत जो बर्ड हैं उनकी पहचान की जा सके और उनको जियो टैग किया जा सके। जो हाई वैल्यू टूरिस्ट हैं, इनको बर्ड्स का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और इसी से यहाँ पे स्पॉटिंग की गई। एंड आई थिंक बहुत अच्छी इन्होंने स्पॉटिंग करी है, बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में अराउंड लॉट ऑफ स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड और स्पॉट किया गया है यहाँ पे, ई बर्ड पे उसको मार्क भी किया गया है। तो इस वजह से क्या है कि मनोरा रेंज टूरिज्म के उसमें और पॉपुलर होगा। मैं गुजरात अहमदाबाद गुजरात से हूँ, और जैसे कि ये मेरा पहला सर्वे है मनोरा रेंज में, और बहुत से ऐसे बर्ड्स मैंने देखे हैं कि जो मेरे लाइफ लिस्ट में मैंने मतलब अभी ऐड हुए, बहुत सारे नए बर्ड्स देखे मैंने। और आज जो हम ट्रेल पे गए थे बसूटिया में, तो वहाँ पे हमने एक रेयर स्पीशीज देखी है जिसका नाम है डॉलर बर्ड, और देखा है फाल्कनेट, बहुत ही इल्यूसिव बर्ड है जो आज हमें देखने को मिला है। धन्यवाद। इस एरिया में फर्स्ट टाइम आया हूँ, आसपास के सारे एरियाज मैंने विजिट किए, और बर्ड्स की जो डाइवर्सिटी है, एविफॉना डाइवर्सिटी, वो बेस्ट है यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छी बर्ड्स मिली, कॉलर्ड फाल्कोनेट, डॉलर बर्ड, ये ऐसी रेयर बर्ड्स हैं जो लगभग सभी फर्स्ट टाइम आपको दिखेंगे। ये बहुत अच्छा एक लोकेशन है बर्ड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, बर्ड वॉचर के लिए और फ्यूचर बर्ड कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि कुछ बर्ड्स यहाँ पर रेयर हैं जिनको हमें सख्ती से बहुत ज़रूरी है बचाना।